आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मेरे को पूछा है, सौम्या थ्रोज अ बॉल अपवर्ड्स फ्रॉम अ रूफटॉप 80 मीटर्स अवर, इट विल रीच मैक्सिमम हाइट देन फॉल बैक टू द ग्राउंड, द हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट अ टाइम t इज h व्हिच इज गिवन बाय h इक्वल्स टू -16t स्क्वायर प्लस का 64t प्लस का 80। तो मुझे फाइंड करना है कि बॉल ग्राउंड को हिट करने पे कितना टाइम लेगी। तो अगर बॉल अगर ग्राउंड को हिट करेगी मतलब जो h है वो जीरो हो जाएगा। एक तरह से मेरे को क्या गिवन था, एच टी इक्वल टू माइनस का 16t स्क्वायर प्लस का 64t प्लस का 80। यहां पर ये क्या शो कर रहा है, हाइट ऑफ बॉल आफ्टर t सेकंड्स। ये तो शो कर रहा है, तो मुझे t की वैल्यू वही तो वैल्यू फाइंड करनी है जब पर हाइट ऑफ बॉल जीरो हो जाए, मतलब ग्राउंड को हिट कर जाए। तो हाइट ऑफ बॉल जीरो करना है मेरे को, तो माइनस का 16t स्क्वायर प्लस का 64t प्लस का 80, ये क्या हो जाएगा जीरो, और टी की वो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। कैसे करूंगा कि इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले माइनस से, नहीं सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन को 16 से डिवाइड। डिवाइड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, मैं बता दूंगा कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई 16, तो क्या बना माइनस का टी स्क्वायर और 16 4 64 40 और 16 5 80, राइट। और अगेन मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई और कर देता हूं, एक बार मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई और कर देता हूं, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो ये क्या बन गया फाइनली, टी स्क्वायर माइनस का 4t और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है कैसे, इसकी कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 से, तो यहां पर x की मैक्सिमम पावर 2 है और यहां पर भी 2 है और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, मींस यहां पर a कितना है 1। कंपैरिजन करो तो b हो जाएगा माइनस का 4, c हो जाएगा माइनस का 5। मेरे को इसके फैक्टर्स करने हैं, तो a और c की मल्टीप्लाई करूंगा, मैं फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर रहा हूं, तो हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस 5 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनका जो सम है बीच वाला टर्म माइनस का 4 आए, मतलब माइनस का 5 और 1, पर इसको जोड़ूंगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। तो ये क्या बना, इस तरह से मैं देखूं तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का टी माइनस का 5 इक्वल टू 0, टी कॉमन टी माइनस का 5 प्लस का 1 कॉमन टी माइनस का 5 इक्वल टू 0, अगेन टी माइनस का 5 कॉमन, ये बना टी प्लस का 1 इक्वल टू 0, और टी की वैल्यू एक तो आ गई माइनस का 1 और टी की वैल्यू आ गई 5, ये तो पॉसिबल नहीं है, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, टी इक्वल टू 5, और इसको फाइनली मैं क्या बोल दूंगा कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 सेकंड्स, राइट, जो कि ऑप्शन 3 के अंदर अवेलेबल है। और ये स्टूडेंट्स मेरा क्या होगा फाइनल आंसर कि बॉल जो है ग्राउंड को हिट करने में कितना टाइम लेगी, 5 सेकंड लेगी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।